भैया कैमरा लाइए सर। मैं अकेला शांति से खड़ा हूँ, मैं अकेला जाना चाहता हूँ। नोएडा पुलिस की तरफ से दी गई है, ग्रेटर नोएडा पुलिस की तरफ से दी गई है और ये साफ तौर पर कहते हुए कि पहले हम बातचीत कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। हाथरस केस हर बीतते घंटे और दिन के साथ अलग रूप जो है लेता जा रहा है, उसमें नई नई जानकारियां सामने आते जा रही हैं और वो कुछ उसी तरह का केस कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग, पत्रकार और नेता उसे बनाना चाह रहे हैं, जैसा कि इन्होंने ठीक 5 साल पहले 2015 की 28 सितंबर को अखलाक की लिंचिंग जो 10:30 बजे रात में हुई थी और 29 सितंबर से इस देश में मतलब अचानक से इस देश की जनता जो है इनटॉलरेंट हो गई थी। क्यों? क्योंकि आगे बिहार के चुनाव थे, सपा की सरकार थी, उसके भीतर पुलिस आती है और वो ब्लेम किस पर किया गया? भाजपा पे और नरेंद्र मोदी पे। लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मा किस सरकार के ऊपर है? उसके ऊपर कोई लांछन नहीं लगाया गया, सीधा कर दिया गया कि देश इंटॉलरेंट हो गया। बिहार के चुनाव में चूंकि नीतीश कुमार जो है उस समय लालू यादव के साथ और बाकी कांग्रेस और इनके साथ जो है एक अलग तरीके से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे थे और सफल भी, उन्होंने सरकार भी राजद के साथ बनाई और भाजपा जो है 53 सीट पा पाए 243 विधानसभा सीटों में। उसके बाद एक और रोहित वेमुला का कांड होता है जनवरी 2016 और उसके बाद 5 और चुनाव होते हैं, असम में होता है, तमिलनाडु में होता है, केरल में होता है, वेस्ट बंगाल में होता है और पुडुचेरी में होता है। इन हर जगहों पे रोहित वेमुला का केस और अखलाक का केस दोनों को लगातार प्लेअप किया गया, लगातार भुनाया गया। मैं आपको इसीलिए ये याद दिलाना चाह रहा हूँ कि ऐसे ही एक मुद्दा होता है, हाथरस में क्या हुआ है उसमें जो नई जानकारियाँ आ रही, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आया है, उसके बाद जो और तरह की जानकारी है, जो मेडिकल रिपोर्ट है, स्टेटस रिपोर्ट है बॉडी की, उसमें अभी तक रेप कंफर्म नहीं हुआ है कहीं। जिस तरह के बयान शुरू में दिए गए, बाद में दिए गए, उस पर भी जो है जांच जारी है और पुलिस जो है कोशिश कर रही है कि पहले सिर्फ एक का नाम लिया था जिसके बारे में बोल रहा है कि दबाव बनाया गया था। दबाव बनाया गया था तो एक का ही नाम क्यों लिया गया, ऐसा लोग पूछ रहे हैं। दबाव बनाता तो मेन अक्यूज्ड का ही नाम नहीं लेते ना, जब बोल रहे हो कि ठाकुर परिवार से था, उसके बाद तीन और नाम जोड़ दिए जाते हैं, तो कुल मिला के ये इतना कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है और बाद के कॉम्प्लिकेशंस जो है हाथरस की निर्भया बना के, आप सोचिए कि निर्भया का कांड क्या था और ये हाथरस में अभी तक रेप की पुष्टि भी नहीं है। विसरा है उसका, वजाइनल स्वाब होता है, ये सब फोरेंसिक लैब में भेजा गया, उससे हमें पता चलेगा। हो सकता है गैंगरेप हुआ हो सकता है नहीं हुआ, दोनों बातों को आपको अभी जितनी सूचनाएं हैं उस आधार पर मान के आपको चलना पड़ेगा क्योंकि जांच चल रही है। लेकिन नहीं, चुनाव के डेट फिर से अनाउंस हो चुके हैं बिहार में, इस बार भाजपा नीतीश कुमार के साथ जो है चुनाव लड़ रही है मिल करके, आगे भी चुनाव होने वाले हैं उसी पैटर्न पर, उन्हीं 5 राज्यों में दोबारा जो विधानसभा चुनाव होंगे अप्रैल मई में। तो अभी जिस तरह से पहले का इनका एक्सपीरियंस है कि एक एक मुद्दे पे इन्होंने चुनाव जीता है, निर्भया वाला इशू याद होगा, उसके बाद किसकी सरकार आई थी, आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली थी, उसके बाद अखलाक वाले मुद्दे पे आप देखेंगे किसने सरकार बनाई है, उसके बाद रोहित वेमुला वाले मुद्दे पे किसके अगेंस्ट जो है वोट गिरे हैं, तो हर इस चीज़ पर इन चीज़ों को हम लाइटली नहीं ले सकते। और बावजूद इसके कि ये बहुत एक सेंसिटिव इशू है, संवेदनशील मुद्दा है, इस पर पूरा देश अभी बात कर रहा है, फिर भी आपको इन वामपंथी लंपटों के बारे में सोचना पड़ेगा कि ये सुअर जो हैं ये किस तरह के मोटिवेशन के साथ आते हैं। आप जाकर देखिए कि इनके खेमे के पत्रकार वो लिख रहे हैं कि प्रियंका गांधी के लिए ये एकदम अपॉर्चून मोमेंट है, ये सही स्ट्रेटजी है, उसको जाना चाहिए और उसको भुनाना चाहिए इस इशू को। इस तरह की बातें क्यों लिखी जा रही है? क्या हमारे सामने ऐसे एग्जांपल्स नहीं है कि रेप जो होता है वो एक सामाजिक समस्या और कहाँ पे नहीं हो रहा है? जब लोगों ने इस तरह से इसको प्लेअप करना शुरू किया, ये जो अपर कास्ट लोअर कास्ट वाला, तो उसके बाद तो और भी आ गया ना, और भी इसी तरह के मुद्दे आने लगे। उसी दिन में NCRB का डेटा कहता है, जो रिकॉर्ड करता है पूरे देश में क्राइम की, हर 15 मिनट पे एक रेप जो है रिपोर्ट होता है इस देश में, इरेस्पेक्टिव ऑफ आप किस
राज्य में है, कहीं थोड़ा कम होगा, कहीं थोड़ा ज़्यादा होगा। इसी तरह से कहीं परसेंटेज जो है कम होगा, कहीं नंबर्स ज़्यादा होंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि अक्यूज को पकड़ा नहीं गया, उसको भगा दिया गया, इस तरह की कोई बात नहीं है। फिर ये राहुल है, प्रियंका है, ये लोग इस केस में क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं? वही होता है, डूबते को तिनके का सहारा, भागते भूत की लंगोटी भली। तो वही ये राहुल गांधी जो है वो लंगोट पकड़ने के चक्कर में किसी तरह हम चर्चा में बने रहे। एक ही नंबर वाले ट्रैक्टर इन्होंने अम्बाला में भी जलाया, दिल्ली में भी जलाया। इस तरह के भी इनकी करतूतें जो सामने आ रही हैं, ये सिर्फ किसी भी तरह से चर्चा का हिस्सा बने रहना चाहते हैं। और उसी चक्कर में क्या हो रहा है कि ये कई बार गलत मुद्दे उठाकर, मुद्दा मतलब ये मुद्दा गलत नहीं है, लेकिन उसको जिस तरह से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उसको जिस तरह से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश हो रही है अपने फेवर में, वो निहायत ही गलत है। अब इसमें क्या होता है कि आप पूछने लगे क्या वाकई में मतलब इतना रेप जो है होने लगा। आप फिर याद कीजिए एक बार निर्भया वाला दौर, निर्भया का जब रेप रिपोर्ट होता है मीडिया में और उसका 24/7 रिपोर्टिंग होने लगी, तो अगले आने वाले दिनों में और लगभग 1 से 1.5 महीने तक हर दिन मुख्य खबर क्या थी, फलाने जगह रेप हो गया, उस जगह पे भी रेप हो गया, उस जगह वृद्धा के साथ रेप हो गया, यहाँ पे 3 महीने की बच्ची के साथ जो है दुष्कर्म किया गया, वहाँ 7 साल की बच्ची के साथ हुआ, इस तरह की खबरें आने लगी। तो ऐसा नहीं था कि निर्भया के रेप के बाद रेप होने लगे या उससे पहले जो है रेप नहीं होता था, नहीं, या हाथरस वाली जो घटना है कथित तौर पे जिसे रेप बताया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि उसके होने के बाद। आज का आप देखिए अखबार, आज का न्यूज़ पोर्टल आप खंगालिए, हर जगह आपको क्या मिलेगा, बलरामपुर में रेप हुआ, सीकर में रेप हुआ, अलवर में हुआ, अजमेर में हुआ। आप आंख मूंद करके एक रैंडम शहर का, लगभग 700 के करीब ज़िले हैं इस देश में, आप किसी भी ज़िले का नाम लीजिए, वहाँ पर रेप हुआ होगा, प्लस माइनस ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन जिस देश में हर 15 मिनट तो मतलब 1 घंटे में 4 रेप जो है रिपोर्ट होता है, आपको लगता है कि यूपी कोई स्पेशल जगह है? और ऐसा भी नहीं है कि रेप जो है अननोन लोग ज़्यादा करते, नहीं, जहाँ बाप कर रहा है रेप, जहाँ भाई कर रहा है, मामा कर रहा है, फूफा चाचा इस तरह के लोग कर रहे हैं रेप, जो आपका जानकार है, आपका दोस्त रेप कर रहा है, वहाँ पे कौन सी सरकार क्या करेगी? मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सरकारों को कुछ करना ही नहीं चाहिए, मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिकलिटी बता रहा हूँ इन सब चीज़ों की, कि जब हम और आप उद्वेलित होने लगते हैं, अरे यहाँ भी हो गया, वहाँ भी हो गया, तब आपके लिए संभव ही नहीं है कि आप हर रेप की घटना की रिपोर्टिंग कर सकें या हर रेप की घटना को आप जान सकें। आप तक जो फ्रंट पेज की न्यूज़ बनकर आता है या जो ट्रेंड करने लगता है या जिसके ऊपर किसी नेता ने बोल दिया, ये तो रेप टूरिज्म हो गया ना। जब अगर आपको लगता है रेप हुआ है, तो आप इस महामारी के दौर में तमाम प्रोटोकॉल्स को तोड़ के उससे मिलने जाना, उससे मिल के आप क्या कर लेंगे? ऐसा क्या उस प्रशासन ने नहीं किया या योगी आदित्यनाथ ने नहीं किया? 25 लाख का कंपनसेशन, एक घर शायद उनको मिलने वाला है, एक कनिष्ठ सहायक की नौकरी उनको मिलने वाली है, उनके घर वालों को, उनकी बेटी चली गई, तो बेटी को तो कांग्रेस के ये जो स्टालवर्ट लीडर्स हैं वो भी वापस नहीं ला सकते। ऐसे मामलों में और क्या कर सकती है सरकार? 4 जो अक्यूज्ड हैं अभी पकड़े जा चुके हैं, ऐसा तो नहीं वो घूम रहे थे और उनको पकड़ा नहीं गया था, सबको पकड़ लिया गया। लाश को जहाँ तक जल्दी जलाने की बात है, तो कल मैंने इस पर ट्विटर और फेसबुक दोनों पे लिखा कि उसका क्या रीज़न रहा होगा, क्योंकि पोस्टमार्टम की लाश जो आती है बहुत कच्ची सिलाई जो होती है, उसके टांके पड़े होते हैं, वो थोड़ा भी हिलेगा डुलेगा वो फट के पसड़ जाता है उसी कपड़े में, वो बहुत मतलब वो बहुत अच्छा दृश्य नहीं होता, इसीलिए उसको। और दूसरा ये भी है कि प्रशासन के पास और कोई उपाय नहीं था, जबकि ये भीम आर्मी वाले और लेफ्टिस्ट पार्टियां जो हैं उस लाश को लेके प्रदर्शन करने और राजनीति करने के लिए तैयार बैठी हुई थी। अगर लाश को तुरंत नहीं जलाया जाता तो हो सकता है कि आपको आज दिन में नई खबरें मिलती कि परिजन जो है लाश लेके बैठ गए, उसके बाद कोई उसमें देखेगा अरे इसका तो किडनी निकाल के बेच लिया सरकार,
इन चीज़ों को आप कैसे मतलब डिफेंड करेगा प्रशासन? क्या हम और आप नहीं जानते हैं कि पोस्टमार्टम जब होता है तो वाइटल ऑर्गन्स कई बार निकाल के और किस तरह से उसमें रखे जाते हैं पेट में? अगर आपके आसपास में हुआ होगा तो जानने की कोशिश कीजिए। तो उस केस में कोई कह दे कि किडनी निकाल लिया और उसके बाद न्यूज़ फ्लैश हो रहा है, कहा गया कि लाश को जलाने नहीं दिया गया, मीडिया को दिखाने, मीडिया बैरिकेडिंग नहीं करेगी तो क्या करेंगे? मीडिया को आप सोचिए कि उस वक्त नहीं रोका जाता तो वो लोग लाइव टेलीकास्ट जलती हुई लाश का कर देते हैं। क्या हम नहीं जानते हमारे देश की मीडिया किस तरह की है? तो जब पुलिस प्रशासन ने, एक दुर्घटना हो गई, ठीक है, दुर्घटना हो जाती है, उसका क्या उसको इलाज देने में प्रशासन ने देरी की? नहीं। बेहतर इलाज देने में प्रशासन ने देरी की? नहीं। उसको सफदरजंग जो है भेजा गया, उसके आधे उसकी मृत्यु हो जाती है। क्या उसके दोनों स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुए? क्या उसका मेडिकल नहीं किया गया? क्या उसके सैंपल्स नहीं लिए गए? सारी चीज़ें जिस तरीके से हो सकती थी हुई। पुलिस की गलती इतनी है कि उन्होंने ट्वीट करके जो है हर बात की खबर नहीं दी, उन्होंने ये नहीं बताया कि हम यहाँ पे ये कर रहे हैं, इस मामले में ये चल रहा है, क्योंकि ये सेंसिटिव मुद्दा 28 तारीख के बाद बनने लगा था। पुलिस की ये गलती है। लेकिन उसके बाद एक्यूज्ड को पकड़ना, जो बोला जा रहा है अपर कास्ट है, छोड़ दिया गया। छोड़ कैसे दिया गया? पकड़ लिया। उसके बाद जिस तरह से कंपनसेट किया जा सकता था, वो पीड़िता जो है हरिजन समाज से आती थी तो उसके लिए भी किया गया। तो ऐसा क्या है जो राहुल और प्रियंका गांधी ऐड कर देंगे वहाँ जाने के बाद? ये तो एक सामान्य बुद्धि विवेक का व्यक्ति भी इस बात का अंदाज़ा लगा सकता है कि वहाँ पे राहुल गांधी या प्रियंका गांधी का जाना वही है कि मीडिया का एक हुजूम जाएगा, वहाँ से दो ज्ञानपुंज जो हैं दोनों वो कुछ अमृत वर्षा करेंगे, फिर उसको चलाया जाएगा कि हाँ राहुल ने दिखा दिया प्लान। इसके बियॉन्ड क्या? वो काम तो तुम ट्विटर पर रोज करते ही रहते हो, तो वहीं से करो। तुम एक मॉब को इंसाइट करने की योजना बना रहे होगे और क्या होगा, आंदोलन ही चाह रहे हैं ना आप। आप कह रहे हैं मैं अकेला जा रहा हूँ और आपके आसपास पूरी टोली जमी हुई है, तो आप तो झूठ बोल रहे हैं इस मामले में। तो इस मुद्दे को और जिस तरह से प्रॉपअप किया जा रहा है, लोग जो है इसको पब्लिशाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ हाँ एकदम राहुल गांधी को आगे बढ़ना चाहिए, और बाकी लोग भारत की बेटी के बारे में चिंतित हो रहे हैं। तो भारत की बेटी के बारे में तो हर 15 मिनट पर आपको चिंतित होना चाहिए। इस पे चर्चा करो ना कि क्या हर घर में पुलिस वाला भी हम बिठा दें तो भी क्या बलात्कार को रोकना संभव है? घरों में रेप नहीं होते? क्या हमने ये खबरें नहीं सुनी? मतलब मैं रैंडमली आपको बोल रहा हूँ, आप जाके किसी ज़िले का नाम और रेप केस टाइप कर लीजिए गूगल में, आप देख लीजिए कितनी खबरें आती हैं। कानपुर रेप केस, सहारनपुर रेप केस, बेगूसराय रेप केस, बांदा रेप केस, बदायूं रेप केस, आप रैंडम जगह का नाम डाल के देख लीजिए। सारी चीज़ें अगर मेन किसी बड़े न्यूज़पेपर में नहीं होगी तो लोकल एडिशंस में रिकॉर्डेड होती हैं। आप क्या वहाँ तब उद्विग्न हुए थे? तब उस पर एक समयक चर्चा की थी? आज आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक एजेंडा वाला समूह जो है उस बात को आगे कर रहा है, और ना चाहते हुए भी हमारे पास इंफॉर्मेशन हो या नहीं हो, फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि हाँ अगर इस तरह से दिखाया जा रहा है तो यही हुआ ही होगा। और चूंकि पुलिस इन्वॉल्व है, जिसके बारे में मैंने कल भी बोला कि पुलिसिंग सिस्टम पर से इस तरह से विश्वास हमारा उठ चुका है कि हम मानने को तैयार ही नहीं होते कि पुलिस सही भी कर रही होगी, और इसमें ऑब्वियसली पुलिसिंग सिस्टम का ही पूरा का पूरा योगदान है, इसमें आम आदमी का कुछ नहीं है। जिस तरह की मतलब यहाँ आकंठ जो है भ्रष्टाचार में डूबी हुई है हर जगह की पुलिस, तो विश्वास करना जो है उनके ऊपर बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इसी कारण हम जो भी आरोप लगाने वाला कह रहा है, भले वो दो बार स्टेटमेंट चेंज कर रहा हो, हम उसको भी मानने को तैयार हो जाते हैं, उसका हर वर्जन मानने को तैयार हो जाते हैं, और उसके उलट हो सकता है सच्चाई कुछ और हो। मैं लोकल जर्नलिस्ट से बात कर रहा हूँ, वहाँ कुछ और ही बातें पता चल रही हैं, लेकिन मुद्दा इस तरह का संवेदनशील है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं बोलूँगा तो आप जो है लाठी डंडा लेके मेरे ऊपर पिल पड़ेंगे कि तुमने बोल कैसे दिया। कि आप देखिए घेरा किसको जा रहा है। राजस्थान में भी तो रेप हो रहे हैं ना, जब यही ये रेप रेप का नैरेटिव जब गेम चलने लगा तो शाम तक आ गई ना न्यूज़ बलरामपुर में, वहाँ पे जो अक्यूज जो है आरोपी जो है मुस्लिम थे,
और भी एक केस आया, उसमें भी आरोपित मुस्लिम और दलित लड़की का और एक केस आया, उसमें कोई टीपू सुल्तान था, वो जो है अपने दोस्तों के साथ दो दिन से शायद रेप कर रहा था। ये सारी खबरें आती गई और आया अलवर सीकर। मैंने बताया आपको कि आप किसी भी जगह का नाम लीजिए, वहाँ पे है रेप हो रहा है। तो ये लोग उन मुद्दों पे क्यों नहीं जा रहे हैं? जब यही करना है, राहुल गांधी को भारत की बेटी की चिंता है, तो जाओ उनके भी घर जाओ। जब वो कम से कम, तुम जाओ ना जाओ, कम से कम लिख तो दो, लिखो और हमें बताओ कि हाँ हम यहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे। इंटेंट तो दिखे तुम्हारा नहीं, तुम्हारा पूरा फोकस है कि नहीं हाथरस की निर्भया ये बनाएंगे। क्यों निर्भया वर्ड का यूज क्यों होता है ऐसे मामलों में? वो इसलिए होता है क्योंकि निर्भया की भयावहता जो है हम देख चुके हैं, वो इतना डिस्कस हुआ है कि हम जान चुके हैं, हमारे मनोमस्तिष्क में वो बसा हुआ है। इसलिए ये बहुत ही जल्दी हमें स्ट्राइक करता है। कहते हैं हाथरस में भी उसी तरह का कांड हो गया, जबकि हमारे पास अभी तक जितनी सूचना है उसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हम मान के बैठे हुए हैं कि हाँ उसका भी गैंग रेप हुआ है और मतलब जो है पूरी कानून व्यवस्था पूरी यूपी में बर्बाद हो चुकी है। यूपी में कानून व्यवस्था अगर बर्बाद होती तो आपको एनसीआरबी का जो डेटा रिलीज होता है उससे पता चल जाता कि क्या पर 100,000 रेप केस। अब इसमें भी देखिए चालाकी, कल से रिपोर्टिंग क्या हो रही है मीडिया में, कल से रिपोर्टिंग हो रही है कि यूपी में सबसे ज़्यादा वुमेन के अगेंस्ट क्राइम होता है, सबसे ज़्यादा पॉक्सो एक्ट वाले। ये लोग ये नहीं बताते हैं कि यूपी की पॉपुलेशन कितनी है और देश में उसका नंबर कौन सा आता है पॉपुलेशन के मामले में। लगभग 23 करोड़ पॉपुलेशन है, 1/6 इंडिया का। तो जाहिर सी बात है कि नंबर वाइज हमेशा वो राज्य जो है क्राइम के मामले में ऊपर जाएगा। वो क्राइम के मामले में इसलिए ऊपर नहीं जाएगा कि वो बाकी राज्य जो है बड़ा एजुकेटेड है और हम नहीं, शेयर नंबर ऑफ पॉपुलेशन कारण, मतलब लोग जितना रहते हैं, इस कारण से 3 साल में कुछ बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हो जाता। फिर भी आप कंपेयर जाके कर लीजिए कि 2017, 18, 19 इन 3 सालों में परसेंटेज ऑफ रेप, मतलब पर 100,000 कितना रेप हुआ है, वो नंबर जो है, वो डेटा रेट ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन उसको कीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कि वो घटा है योगी के आने के बाद कि बढ़ा है। वो कोई पेपर वाला नहीं छापेगा क्योंकि उससे उनका मोटिव जो है सॉल्व नहीं होगा। जहाँ पे उनको नंबर हाई दिख रहे हैं वहाँ पे बोल देंगे हाँ यूपी में सबसे ज़्यादा हो रहा है। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या यूपी में रेट भी सबसे ज़्यादा है, क्या यूपी में रेट ऑफ दीज क्राइम अगेंस्ट वुमेन वो नीचे गया है कि नहीं गया है, ये नहीं बताएगा आपको। और मैं भी आपको कहूँगा कि ncrb.gov.in पे जाइए और खुद ही अपने लिए वहाँ पे जाके डेटा को स्टडी कीजिए, उसको देखिए, जानिए, समझिए। क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए आप मत मानिए, तब आपको पता चलेगा कि ये जो नैरेटिव खेला जाता है उसके पीछे का उद्देश्य क्या होता है। ये पूरा का पूरा बिहार चुनाव और आने वाले चुनाव को लेके दूसरा अखलाक क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, दूसरा रोहित वेमुला बनाने की कोशिश हो रही है, ताकि इसके ऊपर ये लगातार चलता रहे। लेकिन वही है कि जहाँ 2015 में एक कह सकते हैं कि सोशल मीडिया अपने नैसेंट स्टेज में था, उतना मेच्योर नहीं किया था, या लोगों ने उस तरह से खोजना शुरू नहीं किया था इंटरनेट पे सूचनाओं को, अब जो है वो बदल चुका है। अब फास्ट इंटरनेट के कारण तुरंत आपका ढकोसला जो है तुरंत ही उसको डिनाई कर दिया जाएगा, वो ब्रेक कर दिया जाएगा, आपका फैक्ट चेक हो जाएगा। तो इस कारण अभी जो ही आप हाथरस की बात करके चिंतित होने लगते हैं तो शाम तक बलरामपुर आ जाता है, तब आप कुछ नहीं बोलते। वो पूरा गिरोह अचानक से वो सारी आइडेंटिटी जो ज्ञान दे रहा था कि नहीं अपर कास्ट वाले जब लोअर कास्ट के ऊपर रेप करते हैं तो वो उनको संदेश देना चाहते हैं पूरे समुदाय को। तो जब मुसलमान रेप करता है दलित का, तब वो क्या देना चाह रहा होता है? मतलब कोई संदेश देना चाह रहा हो तभी रेप जो है जघन्य माना जाएगा। रेप क्या अपने आप में जघन्य अपराध है? और ये लड़कियां लिख रही हैं, दुर्भाग्य ये है, और ये लड़कियां भी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो किसी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन को, किसी पार्टी को जो है वो उसके साथ अलाइंड है उनकी विचारधारा। इस कारण से वो उन खबरों से इतने डिटैच्ड हैं, इतने छूटे हुए, इतने टूटे हुए, इतने विलग कि उनको उस बच्ची से कोई मतलब नहीं रह जाता।
उनको मतलब सिर्फ इससे रह जाता है कि अभी हम बोल के हम योगी से इस्तीफा मांग लेंगे। लेकिन उसी सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्या किया है वो बताने की आवश्यकता नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर का इशू, खास करके क्राइम अगेंस्ट वुमेन वाला जो है, वो हमेशा रहेगा, वो कम हो सकता है, गायब नहीं होगा। और कम भी तुरंत नहीं होगा कि कोई अगर पार्टी कहती है कि हम कानून व्यवस्था सुधार देंगे, उसका मतलब ये नहीं होता कि शून्य हो जाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। शून्य अगर हो जाना होता, और इस तरह के पॉपुलेशन वाले एरिया में अगर आपको लगता है कि पढ़े लिखे समाजों में नहीं होता है, तो मैं बता दूं आपको कि भारत जो है रेप के रेट में, मतलब हर 1,00,000 में कितने रेप होते हैं रिपोर्ट, उसमें दुनिया के टॉप 20 देशों में भी नहीं आता है। उसमें कौन से देश आते हैं? स्वीडन आता है, अमेरिका आता है, USA, यूरोप के कई देश आते हैं। ये सब तो पढ़े लिखे हैं ना, ये 400-500 सालों से स्वतंत्र राष्ट्र हैं। ये तो सबसे पहले सभ्य भी हुए थे, व्हाइट मैन्स बर्डन वाला याद होगा आपको। फिर वहाँ ये घास्टली क्राइम्स का और उसका रेट इतना ज़्यादा क्यों है? भारत में तो लोग कह देते हैं हाँ बेरोजगारी है, काटजू जैसे लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं। वहाँ पे कौन सी बेरोजगारी है, वहाँ पे कौन सी अशिक्षा है, वहाँ क्यों हो रहा है? वहाँ की पुलिसिंग तो बहुत प्रोफेशनल है, फिर भी हो रहा है ना। रेट भी हाई है, हो भी रहा है, और यहाँ पे कम से कम जो डेटा बता रहा है उससे कम हो रहा है साल दर साल, फिर भी आपको लगता है कि नहीं नहीं ये तुरंत, अब योगी आया है चूंकि उसने कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर सुधार देंगे, तो क्यों हो रहा है? हम जो इस बात को नहीं मानेंगे और इस्तीफा देना चाहिए। मतलब एक रेप केस के कारण CM इस्तीफा दे दे, कौन सा CM है जो आते ही इन सब चीज़ों को बदल देगा? कौन सा CM पूरे भारत के इतिहास में है कि उसके राज्य में इस तरह के पॉपुलेशन में रेप होता ही नहीं? नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए, वहाँ भी ऐसा नहीं है कि शून्य है, वहाँ रेट बहुत कम है, तो होने का वहाँ से मान लीजिए कोई जघन्य रेप की घटना आ जाती, फिर तो हम लोग और आप लोग इसी तरह से वार्तालाप करेंगे। फिर आपको लगेगा कि वहाँ पे क्यों हो रहा है, भारत की बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। भारत की बेटियाँ कभी भी सुरक्षित नहीं रही, भ्रूण हत्या होता है, पैदा हुई तो उसको तंबाकू चटा के मार देते हैं, जहर दे के मार देते हैं, फिर भी वो किसी तरह सरवाइव कर जाती है। तो उसको जो है भाई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, उसकी छोड़ी हुई किताबें, भाई प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, बढ़िया स्कूल में पढ़ रहा है, बहन को घटिया स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ये तो माइंडसेट का इशू है ना, इसे कोई सरकार 5 साल में कैसे सुधार देगी, 10 साल में कैसे सुधार देगी? इसके लिए क्या आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इन मुद्दों को लेकर, खास करके जेंडर सेंसिटिविटी और घर परिवार में लड़का लड़की एक समान का नारा आपने दिया, उसके बाद आपने क्या किया जागरूक बनाने के लिए? क्या हमारे पास ऐसे कोई प्लान है? और ऐसे प्लान्स को भी फलित होने में पीढ़ियां खप जाती हैं, ये एक सरकार की जिम्मेदारी नहीं, ये समाज की जिम्मेदारी। मैंने जैसा कहा कि आप हर घर में पुलिस डाल दीजिएगा ना, फिर भी रेप होगा। जहाँ पुलिस है हर नुक्कड़ पे खड़ा, वहाँ भी रेप हो रहा है। पढ़ने जाती हैं बच्चियाँ, उनके साथ उसका टीचर रेप कर रहा है। अपना दोस्त यार है वो जो बुला के, मतलब प्रेम के नाम पे बुलाता है और उसका रेप करता है, क्या कर लोगे आप? तो जब आप इस तरह के एक मुद्दे को, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रेप हुआ है तो आप चुप हो जाए, नहीं, जितनी जानकारी हमारे पास आ रही है हमें वी मस्ट आउटरेज, हमें क्रोधित होना चाहिए, हमें सवाल पूछना चाहिए कि एक भी रेप क्यों हो रहा है। लेकिन आपके सवाल पूछने के पीछे का इंटेंट जो है, इस मुद्दे को या तो सॉल्व करना या एक प्रेशर ग्रुप बन के सरकारों पे दबाव बनाना होना चाहिए, न कि आप उसमें कि नहीं इसमें तो अपर कास्ट वाला है, उसमें जाति आप खोजने लगते हैं। लोग कह रहे हैं कि आप भी तो मजहब खोज लेते हैं। हम मजहब इसलिए खोजते हैं कि तुमने जाति खोजी, हम तुमको सिर्फ याद दिलाने के लिए। हमारा तो रिएक्शन है, हम तो खुद ही सबसे पहले ऐसा रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम तो नए लोग हैं, हम तो आजकल में आए हैं,
हमारी ज़रूरत ही इसलिए पड़ी कि तुम लोगों ने इतना गंद मचा रखा था, इतने वन साइडेड नैरेटिव चला रहे थे कि हमें उन खबरों को भी छापना पड़ा जिस पर तुम बात नहीं करते, और वो भी हम नहीं करते। हमारी ज़रूरत तब भी नहीं पड़ती अगर तुम लोगों ने उन खबरों में एजेंडा नहीं डाला था। तुम ठीक है, तुम कठुआ वाला रेप चला लो, तुम जो है सिर्फ वन साइडेड ही तुम छापते रहो, उससे भी कभी समस्या नहीं हुई। लेकिन जब कोई असलम नाम का आदमी तांत्रिक का वेश बना के, या आलिम उसको कहते हैं, किसी का रेप करता है और तुम एक भगवा वस्त्रधारी पुजारी की फोटो छापते हो प्रतीकात्मक चित्र कह के, तब हमें दिक्कत होती है। तब पता चलता है कि नहीं, तुम सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हो, तब तुम एजेंडा चला रहे हो, और उससे समस्या है। समस्या इससे नहीं है कि एक सवर्ण ने दलित का रेप किया। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि ऐसा होता है, तो ये भी एक्सेप्ट करता हूँ कि कई मामलों में उसके घर परिवार को, उस पूरे समाज को धमकाने के लिए और वास्तव में उनको सबक सिखाने के लिए ऐसा होता है। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि और लोग जब ये करते हैं तो ऐसा नहीं होता। लेसन सिखाने वाली बात नहीं होती, लेसन सिखाने वाली बात नहीं होती। तो ये जो पैटर्न एक इमर्ज होता है लव जिहाद वाला, जिसमें पहले तो धर्म परिवर्तन करवाते हैं, उसके बाद अपने बाप के साथ सोने को मजबूर करते हैं, अपने भाई के साथ सोने को मजबूर करते हैं, गैंग रेप करवाते हैं उसका, और बाद में वो लड़की कहीं की नहीं, क्योंकि उसको परिवार तो ऑलरेडी जो है डिसऑन कर चुका है। वो जाएगी कहाँ? या तो आत्महत्या करेगी, पुलिस के पास जाएगी, या फिर जब वो रेसिस्ट करती है तो उसको वही लोग मिलके जो है मार देते हैं। एक केस ऐसा नहीं है। जो हर 15 मिनट रेप हो रहा है ना, उसमें आपको मिल जाएगा कि हर 2-3 घंटे पे इस तरह का एक केस आता है। आप सब पे आउटरीच कीजिए, आप सब पे बातचीत कीजिए, आप सबको उसी समग्र दृष्टि से देखिए जिस तरह से आप देख रहे हैं। आपको एक जगह पर मैसेज देना, लेसन जो है मतलब पाठ पढ़ाना, सबक सिखाना नज़र आ रहा है, तो आपको दूसरी जगह भी यही सब दिखना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी हमेशा होती है कि बेहतर लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड करें, लेकिन ये जो तुलनात्मक अध्ययन होने लगता है, आप करें तो मतलब खूब बढ़िया जो है, और दूसरा कोई और लेके आ रहा है तो कहते देखो कि इसमें मुस्लिम है इसलिए आंखों में चमक आ गई। आएगी चमक, तुम्हारे जैसे धूर्त लोगों को काटने के लिए इधर के लोगों को भी अपना लेवल जो है गिराना पड़ता है, सुअर से लड़ने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है। इसलिए तुम जब उस तरह के मोटिवेटेड चीज़ें वहाँ पर रखोगे तो इधर के लोग भी उसी इंटेंसिटी से, क्योंकि फैक्चुअली तुम गलत हो, वैचारिक दोगलापन भी तुम्हारा दिख रहा है, इधर के लोग के पास सूचना है उसके लिए। कल भी मैंने लिखा था कि किसी लाइब्रेरी में नहीं जाना पड़ेगा खोजने के लिए कि फलाने जगह पे रेप हुआ है दलित के साथ और कहाँ कहाँ। आप एक दलित और रेप वर्ड लिख दीजिएगा, तुरंत खबरें आ जाती हैं, 1 दिन 2 दिन पहले। अभी ही तो हुआ था ना आसिफ और नेहा का, वो खबर थी बलरामपुर वाला, मैंने आपको बताया है। इन सारे मामलों में, और हाँ यूपी में ही हो रहे हैं, यूपी में ही हो रहे हैं, तो ये लोग लिख रहे हैं हाँ यूपी में एकदम बेटियों की, भाई कहाँ पे है बेटियों की उस तरह से सुरक्षा मिली हो, किस जगह पे है, एक मॉडल स्टेट तो बता दो जहाँ रेप होता ही नहीं है। हमें हमेशा एक मैच्योर डेमोक्रेसी आप बोल लें, या एक बेहतर प्रशासन आप बोल लें, हमें हमेशा उस ओर अग्रसर होना चाहिए कि क्राइम रेट नीचा चलता जाए, नीचे जाता चला जाए, उधर के लिए प्रयासरत होना चाहिए। लेकिन जब कोई ये एक्सपेक्ट करने लगता है कि नहीं योगी आया है तो उसमें ज़ीरो हो जाएगा क्राइम रेट, वैसा नहीं होता है, वो पॉसिबल ही नहीं, संभव इसलिए नहीं है कि समाज का हर हिस्सा और समाज का हर पहलू अलग अलग है ना। सोशल स्ट्राटा मतलब कोई गरीब है, कोई लाचार है, कोई वंचित है, शोषित है, बेरोजगार है, अशिक्षित है, दिमाग नहीं है उसको, मतलब आपराधिक छवि का है, वो गलत तरह के कामों में व्यस्त रहता है, पुलिस क्या करेगी? जो चोर है उसको सजा क्या, उसको आजीवन काल के लिए बंद कर दिया जाए चोर को? चोरी तो जो है अगला क्राइम उसका कुछ और होगा। जो दारू पीते हुए इधर उधर भटक रहा है रास्ते में, वो रैंडमली चल रहा है, उसमें पुलिस क्या कर ले?
क्या वही है कि सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात होती है तो आपकी प्राइवेसी भंग होने लगती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कानून व्यवस्था जो ठीक करने की कोशिश नहीं, ये मांग आपकी जायज़ है, सबकी मांगी जायज़ है, लेकिन इसमें जो है एजेंडा मत घुसाइए। जब तक कि वाकई आपके पास एविडेंस हो पुलिस ने इस मामले में काम ही नहीं किया, इसमें योगी जो है ऊपर से इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि हाँ ये करो वो करो, इस तरह की बातें जब तक नहीं आती हैं तब तक आपको जो है इसमें पॉलिटिक्स नहीं घुसाना चाहिए। पॉलिटिक्स घुसाइएगा तो दूसरे खेमे के लोग भी पॉलिटिक्स ही घुसाएंगे और बाद में फिर वो मृतका जो है गौण हो जाती है, वो गायब हो जाती है पूरे नैरेटिव से, उसके ऊपर अब बात नहीं होती। तब बात होती है कि योगी सरकार सुरक्षा नहीं दे रही है, कांग्रेस जो है आएगी तो सुरक्षा देगी, जैसे कि कांग्रेस का तो बड़ा बढ़िया पास्ट रहा है अभी तक सुरक्षा देने का, है गरीबी हटाओ का, सबका इतना ग्लोरियस पास्ट है कांग्रेस का कि हम लोगों को एकदम मान लेनी चाहिए कि हाँ राहुल बाबा कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं। इस पे ये एक डेवलपिंग स्टोरी है और ये हाईली पॉलिटिकल टर्न ले चुकी है। बिहार चुनाव में आपको इसकी गूंज जो है सुनाई देती रही क्योंकि इनको सुशांत वाला नैरेटिव जो है बैलेंस करना है, उसके लिए इनको एक कहानी चाहिए थी और कहानी में ये लोग गार्निशिंग कर रहे हो, धनिया की पत्ती जो है ना ऐसे ऐसे गार्निशिंग करना, वो ये लोग सैलड जो है उसका बनाते जा रहे हैं और नए नए फ्लेवर इसमें डाले जाते रहेंगे। और इन सब के बीच न सिर्फ वो लड़की गायब हो जाएगी बल्कि नारी सुरक्षा का मुद्दा जो है इस पे डिबेट होना, हर एक दो सप्ताह में जो है इस पे चर्चा होनी आवश्यक है ताकि लोगों को लगे एक प्रॉब्लम है जिस पे कम से कम हम चर्चा कर रहे हैं, तभी हम आगे 2 साल बाद 3 साल बाद एक सामूहिक रूप से जो है दबाव बना पाएंगे, अपने अपने जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे हम सवाल पूछ पाएंगे, तब चुनाव में जो है इस तरह के मुद्दे जो है भुनाकर आपको पागल नहीं बनाया जाएगा। ये अभी वही है, ये अवार्ड वापसी 2.0 टाइप का होने वाला है, आप देख लीजिएगा। इसमें अभी तक रेप की पुष्टि नहीं हुई है, हो सकता है आगे भी ना हो या हो सकता है हो जाए। बावजूद इसके जिस तरह का इसमें गार्निशिंग चल रहा है, जिस तरह का मतलब फ्लेवर डाला जा रहा है, वो आगे सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल टूल की ही तरह इस्तेमाल होगा। रोहित वेमुला की माँ को हर जगह घसीटा गया, उसी तरह नजीब अहमद था गायब हो गया बेचारा, उसकी माँ को हर जगह ये लोग सिर्फ भाषणों के लिए और स्टेज पे बिठा के और उनके नाम के आगे 2-4 शब्द और 1-2 पैराग्राफ लिख के कि उनकी माँ भी आई थी, उनकी माँ ने ये बोला, उनकी माँ ने मोदी की सरकार को आड़े हाथों लिया, हर तरह की बात लगा दी जाएगी। मतलब वो भी जिस राज्य में मरा था, जिस राज्य में सुसाइड किया था, वहाँ पे भी कोई और सरकार थी, उसका भी कोई भाजपा से कनेक्शन नहीं। तो हर चीज़ में जब कोई दूसरा खेमा पॉलिटिक्स घुसाने लगता है तो फिर उसके अपोजिट वाला भी उसको, क्योंकि वो लोग भी पॉलिटिकल है, जितने पॉलिटिकल तुम हो उतने ही तो वो भी हैं, तो फिर तुम अगर इधर से फेंकोगे तो वो भी जवाब तो देंगे ही। और इन सवाल जवाब के बीच में, घात प्रतिघात के बीच में मूल मुद्दा जो है गायब हो जाता है। ये अभी डेवलपिंग स्टोरी है और भी इसमें आएंगे, 1-2 दिन तो कम से कम और लग रहा है कि ये चलेगा। और बावजूद इसके कि जितनी सेंसिटिविटी प्रशासन दिखा सकती थी, जितनी मदद जो है योगी सरकार कर सकती थी, उन्हीं के क्षेत्र में कई ऐसे मतलब विक्टिम्स और सर्वाइवर्स हैं जिनके साथ इस तरह का प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। ये भी सवाल कई लोग पूछ रहे हैं कि कोई नेहा है उसके परिवार वालों को क्यों नहीं कुछ दिया गया। आप जाके स्वाति गोयल शर्मा है उनका ट्विटर हैंडल जाके देखिए आप, वो लगातार इस पर रिपोर्ट कर रही हैं कि हर जगह हो रहा है, चूँकि एक मुद्दे को फ्रंट पेज का ट्रीटमेंट मिल रहा है इसी कारण उस पर प्रशासन खूब ध्यान दे रहा है। जो भी है आगे जिस तरह की भी खबरें आएंगी मैं कोशिश करूंगा कि उसका विश्लेषण जो आप तक लाता रहूं। जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत आभार आपका, नमस्कार।